असीम और प्राचीन, निर्मम और पथरीले भूदृश्य की आगोश में समाया। प्रकृति की कोमल छटा में बसा जमींदोज होता यह किला। संघर्ष और बलिदान के किस्से सुनाने को बेकरार है, किस्से उस जंगल के जहां गूंजती है हुंकार वीरों और डकैतों की। आज भी मेहमान की चाय में यहां सिर्फ दूध होता है, कहते हैं यहां के पानी में ही बगावत है। उसी पानी से सींचा हुआ बागी डकैतों को पनाह देने वाला यह जंगल आज जानवरों का स्वर्ग है, और चकमा देकर छुप जाने में तो यहां के जानवर भी माहिर हैं। यह कहानी है विंध्याचल की शान कूनों की। ₹750 वर्ग किलोमीटर में फैला कूनो राष्ट्रीय उद्यान दीवाना बना देने वाले दृश्य, हर मोड़ पर रहस्य और रोमांच, शर्मीले जंगली जानवरों का घर कूनो। आज कूनो जैसा दिख रहा है उसके पीछे कई कहानियां हैं। पार्क के टिकटोली गेट में प्रवेश करते ही बब्बर शेर को यहां लाए जाने की बातें शुरू हो जाती हैं। और क्यों ना हो, एक वह समय था जब एशियाटिक लायन तुर्की से लेकर मध्य भारत तक राज करते थे, पर बदलते समय के साथ इंसानों की बस्ती बढ़ती चली गई और बब्बर शेर का साम्राज्य केवल गुजरात के गिर में सिमट कर रह गया। और एक दिन ऐसा आया जब 20 से भी कम शेर गिने जा सके। जूनागढ़ नवाब ने फौरन शिकार पर पाबंदी लगा दी और फिर साल दर साल इनकी आबादी बढ़ने लगी। मगर आज समस्या कुछ और ही है। अब इन्हें सबसे बड़ा खतरा खुद से है। आज जितने भी लायन गिर में हैं, सब उन्हीं 18 से 20 बचे हुए शेरों के वंशज हैं। इससे कई तरह की जेनेटिक बीमारी होने का खतरा है। एक ही जंगल में 500 से ज्यादा लायन, किसी महामारी के फैलने पर इन्हें सुरक्षित रखना लगभग नामुमकिन होगा। भाई बब्बर शेर है, ये नहीं मानते आपके सोशल डिस्टेंसिंग को। वाइल्ड लाइफ के जानकार इस बात पर तो एकमत थे, गिर के बब्बर शेरों को अब जल्द ही एक नए घर की जरूरत थी। तो 1991 में वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने एक अध्ययन शुरू किया और कई जंगलों के आकलन के बाद मध्य प्रदेश के कूनो पालपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को सबसे माकूल पाया गया। यहां का मौसम और माहौल दोनों ही काफी कुछ सासन गिर जैसा था। शेर को नया घर देना था, उसके पुराने घर जैसा होना तो जरूरी था ना। और जनाब, लायन लाने की बात कोई नई थोड़ी है। 1920 के आसपास महाराजा माधवराव सिंधिया प्रथम पूरे लाओ लश्कर के साथ अफ्रीका से कुछ लायन यहां ले आए थे। और उन्हें डोपकुंड में बनी इन शानदार कोठरियों में रखा। उनका सपना था इन्हें खुले जंगल में छोड़े, ताकि इस भूदृश्य में बब्बर शेर की आबादी को दोबारा स्थापित किया जा सके। हालांकि ऐसा हो नहीं पाया, पर मानना पड़ेगा
महाराजा सिंधिया की सोच समय से बहुत आगे थी। डोप कुंड के पास रहने वालों की माने तो आज भी रात में इस खाई में बब्बर शेर की दहाड़ गूंजती सुनी जा सकती है। दिमाग तो इस कहानी को नहीं मानता, पर दिल है कि मानता नहीं। फिर जब वन विभाग ने इस पर विधिवत रूप से काम शुरू किया तो उद्देश्य था शेरों को आजादी और सुकून में रहने लायक एक घर देना, और इसके लिए जरूरी था कूनो अभयारण्य में बसे सभी 24 गांवों में रहने वाले 1500 से ज्यादा परिवारों को यहां से विस्थापित करना। गांव वालों की भलाई और सुरक्षा भी इसी में थी। क्या है ना, मिस्टर एंड मिसेस सिंह को शांत माहौल में रहना पसंद है। यहां रहने वाले सहरिया और बाकी समुदाय के लोगों ने सिंहों के लिए विस्थापन के कठिन रास्ते को खुशी खुशी अपना लिया। वैसे भी बाहरी दुनिया से कटकर जंगल में रहना आसान नहीं था। नदी के आसपास की जमीन उपजाऊ तो थी, पर दूसरी तरफ यह चट्टाने डकैतों को भी पनाह देती थी। कई खौफनाक किस्से हैं जब अपनी बहु बेटियों की लाज बचाने के लिए रातों रात गांव खाली कर दिए गए। कूनो पालपुर से पलायन कर लेना सभी के लिए फायदे का सौदा साबित हुआ। विस्थापन का इतना बड़ा प्रोजेक्ट पालपुर राजा श्री जगमोहन सिंह के समर्थन के बिना संभव नहीं था। आखिर गांव वालों को उन पर अटूट भरोसा था। राजा, प्रजा और शासन के मिले जुले प्रयासों से सभी 24 गांवों को 1998 से 2003 के बीच कूनो से बाहर अगरा ग्राम में विस्थापित कर दिया गया। धीरे धीरे इन छोटे छोटे गांव और टोलों से आए लोगों ने अगरा को केंद्र बनाकर आसपास की जगहों में अपना घर दोबारा बसा लिया। सहरिया समुदाय के लोग वैसे काफी सादगी से रहना पसंद करते हैं और एक ही बड़े गांव को केंद्र बनाकर यहां सिंचाई और बिजली की व्यवस्था करने में वन विभाग भी ज्यादा कुशलता से काम कर पाया। रिलोकेशन के बाद सरकार की मदद से आदिवासियों ने कूनो संघर्ष समिति का गठन किया, जो कि आज भी लोगों और सरकार के बीच सेतु का काम करती है। आज पलटकर जंगल की तरफ देखें तो गांव के कुछ निशान बाकी हैं, पर ना जाने क्यों इन टूटी दीवारों को देखकर सन्नाटे का नहीं बल्कि सुकून का एहसास होता है। दिल थोड़ा रुआंसा भी होता है इन लोगों के बलिदान को देखकर जो जंगल की भलाई के लिए अपना घर छोड़कर चले गए। और भी बहुत कुछ है जो पीछे छूट गया और इतिहास का हिस्सा बन गया, जैसे 500 वर्षों का इतिहास खुद में समाए पालपुर गढ़ी। कूनो नदी के किनारे बना यह किला कभी चंद्रवंशी राजा बल बहादुर सिंह की राजधानी था। उन्होंने यहां लगभग 1666 में अपना साम्राज्य स्थापित किया। कई लड़ाइयां देखी हैं इन दीवारों ने। सूर्यास्त के समय किले का नजारा तो देखते ही बनता है। आमेट का किला तो अब लगभग पूरा ही जंगल की आगोश में आ गया है। भव्य और विस्मयकारी मैटोनी किले को देखकर तो समझ ही नहीं आता जंगल ज्यादा पुराना है या किला। इस क्षेत्र की लोक कथा और संस्कृति को आज भी धोरेट बाबा सिद्ध स्थली
और बाबा रण सिंह के दरबार ने जीवित रखा है। ये आंखें अपने नए शासक का इंतजार करते करते अब बहुत बूढ़ी हो गई। सालों पहले जब बागी डकैतों का इन गांवों पर अचानक हमला करके लूट लेना आम बात थी, तब यहां के निवासियों ने दूर दूर तक नजर रखने के लिए ऐसे मोर्चे बनाए थे। चौबीस घंटे मोर्चे पर पहरेदार तैनात रहते और दुश्मन को दूर से ही आता देख रहवासियों को सचेत कर दिया जाता। जंगल में पहरेदारी के लिए वॉच टावर बनाने की तरकीब शायद यहीं से आई। गहरी खाई के किनारे पर पांच मंजिला इमारत बराबर ऊंचाई पर चढ़कर जंगल पर नजर रखना कमजोर दिल वालों के बस की बात नहीं। जंगली जानवरों को सुरक्षा देना तो एक बात है, पर उन्हें यह अपना घर लगे इसके लिए खाने और पीने की व्यवस्था उतनी ही जरूरी है। दुरेंडी की नर्सरी वही काम करती है, जहां शाकाहारी जानवरों के लिए आवश्यक विभिन्न प्रकार की घास प्रजातियों के रोपे तैयार किए जाते हैं। कूनो के जंगल में कूनो नदी ही जीवन का आधार है, बाकी के ज्यादातर नाले गर्मी आते आते सूखने लगते हैं और नदी से थोड़ी ही दूरी पर पानी की कमी हो जाती है। इस समस्या का हल दिया कैर खो ने। पूरे साल जमीन से निकलने वाली पानी की इस मोटी धार को केवल ग्रेविटी की मदद से 12 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन के जरिए रास्ते में बने अलग अलग तालाबों तक पहुंचाया जा रहा है। कमाल है ना। अभी तक कूनों में बब्बर शेर तो नहीं आए, पर इस जंगल को लायन प्रोजेक्ट और इन सभी प्रयासों से काफी लाभ हुआ। इसमें वाइल्ड लाइफ और आदिवासी समुदाय के लोगों दोनों का फायदा हुआ। अरावली और माधव नेशनल पार्क के बीच बैठे कूनों को जंगली जानवर तो हाईवे की तरह इस्तेमाल करते हैं। राजस्थान के रणथंभौर और मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व के बाशिंदे भी खुद ही यहां आते जाते रहते हैं। करधई और खैर के इस जंगल में आते ही हर तरफ जंगली जानवर दिखते हैं। यहां के घास मैदान अफ्रीकन सवाना की याद दिलाते हैं और इनमें से कई घास मैदान तो कान्हा और बांधवगढ़ के मैदानों से भी बड़े हैं। करधई के बारे में माना जाता है कि बारिश आने से पहले हवा की नमी से ही यह पेड़ हरा होने लगता है। हार न मानना तो कोई इनसे सीखे। कभी हार न मानने का यही जज्बा कूनों की भी पहचान है। और अचानक ही यहां एक सागौन का जंगल सामने आ जाता है, जैसे मानो पूर्वी मध्य प्रदेश से उठाकर किसी ने इसे यहां सजावट के लिए रख दिया। आगे झुंड में चीतल, पीछे विंध्याचल, अद्भुत नजारा है। और चिड़िया में उत्सुकता रखने वालों के लिए तो यह जन्नत से कम नहीं। जरा दोस्ताना किस्म की है यहां की ड्रोंगो भी। जैसे ही जंगल को थोड़ी सुरक्षा मिली, शाकाहारी जानवरों का घनत्व प्रति स्क्वायर किलोमीटर 2.5 से बढ़कर आज 65 हो चुका है। विश्वास नहीं होता, कभी कभी मानव का कुछ ना करना भी जंगल के लिए क्या कुछ कर जाता है। शुरुआती दौर में 350 वर्ग किलोमीटर में फैला कूनो का जंगल एक पत्ते के आकार का था और कूनो नदी इसकी रीढ़ की हड्डी जो इसे जीवन दान भी देती थी।
तब इसका दर्जा अभयारण्य का था, किंतु 2018 में इसका क्षेत्रफल 400 वर्ग किलोमीटर बढ़ाकर राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दे दिया गया, जो कि एशियाटिक लायंस का घर बनाने के लिए जरूरी था। कूनो राष्ट्रीय उद्यान में टाइगर, लेपर्ड, बब्बर शेर एवं चीता, चारों बड़ी बिल्ली की प्रजातियां साथ रह सकती हैं, और ऐसा ऐतिहासिक तौर पर इस क्षेत्र में पहले रहा भी है। वह दौर अब गुजर गया जब पालपुर किले से यहां का शासन चला करता था। इसे अब जंगल ने पूरी तरह अपने कब्जे में ले लिया है, या यूं कहें कि जंगल ने इस किले को अपनाया और फिर जानवरों को तोहफे में दे दिया। सोने सी चमकती धूप में यहां दिन भर लंगूर खेलते कूदते दिख जाते हैं, पर धूप और छांव का बड़ा गहरा रिश्ता है, और जैसे ही सूरज ढलता है यहां का राजकुमार सिंहासन की ओर बढ़ता है, पर वह जानता है कि वह केवल इस सल्तनत का रखवाला है। कूनो की प्रजा को अब भी इंतजार है अपने असली शासक का।